के महापर्व होली की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। होली आने से 10 दिन पहले से ही बाजारों में धूम साफ देखा जा सकता है, लेकिन इस धूम के बीच चंदा उगाई कुछ लोगों के सिर का दर्द बन गया है। चंदा के नाम पर जबरदस्ती से दुकानदार परेशान हो गए। चंदा न देने पर तमतमा जाना आम हो गया। गाली गलौज के अलावा अब हाथ भी चलाया जाने लगा है। किन्नरों का समूह होली को लेकर लगातार चंदा वसूल रहा है। वहीं समूह पर इल्जाम लगा है, चंदा ना देने पर ये जोर जबरदस्ती से पैसे निकलवाना चाहते हैं, जबरन दुकानदारों से पैसे की मांग करते हैं। खबर रामगढ़ जिले के भुरकुंडा से आई है, जहां होली आते ही किन्नरों ने हर दुकान में जाकर चंदा वसूलना शुरू किया है। नहीं देने पर बद्दुआएं और जबरदस्ती की जाती है, जिस क्रम में भुरकुंडा बिरसा चौक स्थित दुकानदार से जबरन वसूली करने के क्रम में झड़प हो गई। इस हाथापाई के दौरान दुकानदार की आंख में चोट आई है, जिसे देखने के बाद आसपास के सभी दुकान वालों ने किन्नरों को वहां से भगाया। उसी में सब लोग धक्का लुक्की मारपीट पर उतरा है, हमको चप्पल से मारा, आंख में डंडा से मारा है, पत्थर उठाया है। आदमी बचाव के लिए अपना भी कुछ सुरक्षा करेगा। किन्नरों की संख्या कितनी थी? 10-12। जबरन पैसा मांग रहा था? जबरन मांगता ही है, लोग कोई प्यार से थोड़ी मांगता है। तो उसके बाद लोग क्या किया अंत में, जब मामला क्या हुआ था? फिर क्या, मारपीट पर उतर आया और दौड़ाया, हम लोग भी दौड़ाए, भागो सब व्यापारी, सब व्यापारी लोग मिला, डंटा लिया, दौड़ाए तो भाग। आंख में कोई चोट भी लगी ना? आंख में काफी चोट लगा, आंख में मेरा ऑपरेशन हुआ है, लेंस लगा हुआ है, आंखी में मार दिया, ब्लड आ रहा आंख में पूरा। ये आज का मामला है, 12 बजे के लगभग में लोग आया मांगने के लिए, 8-10 के संख्या में था, तो किसी से 500, किसी से 1000, तो किसी से 5000 रुपये रंगदारी तक का मांगने लगा। उसी में एक हम लोग विरोध किए कि नहीं, इतना पैसा नहीं देंगे हम लोग, 100 रुपये दे रहे हैं, 50 रुपये दे रहे हैं, जो खुशी से बन रहा हो हम लोग वही देंगे। ये लोग जबरदस्ती में हम लोग इतना लेंगे। उसी में बात बढ़ते बढ़ते बढ़ गया, तो हमारे बगल में दुकानदार हैं रोहित मातो नाम है उनके, उनका ऐसा साथ में हाथापाई इन लोगों ने कर दिया, उसका आंख में मारा है, आंख में चोट आ गया है। उसके बाद लाठी डंडा से इन लोग ऐसा पत्थर उठा करके वार करने लगा, इधर उधर पूरा एकदम कपड़ा उपड़ा है, तो मतलब बहुत ही अभद्र व्यवहार करने लगा है। तब हम लोग सब दुकानदार यहाँ से एकजुट हो गए हैं और उन लोगों को दौड़ा दौड़ा करके खदेड़ दिए, आइंदा इस तरह का घटना ना हो, और पुलिस प्रशासन को भी हम लोग बता दिए हैं कि हम लोग के साथ इस तरह का घटना ना घटे आगे, हम लोग के साथ पुलिस प्रशासन हमेशा हम लोग को सहयोग करे। जी मेरा नाम आनंद कुमार हुआ, हम सीकर का निवासी है। इंडियन स्पन पाइप, जहां आपको मिलेगा हर छोटे बड़े साइज का कंक्रीट से बना ह्यूम पाइप, जो देता है आपको मजबूती और भरोसेमंद क्वालिटी की गारंटी। अगर आपको भी लेना हो छोटे नालों पुल पुलिया में इस्तेमाल होने वाला ह्यूम पाइप, तो अभी संपर्क करें इंडियन स्पन पाइप कुरमा गोड्डा से। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें 6206319532 पर या फिर 9993452834 पर।